कोई कहे कि बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तो कह दीजिएगा कि वो दिन हवा हो गए। ये दावा हम खुद से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ नई सरकार बनने के बाद ऐसे दावे रोज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन अब नया दावा जो किया गया है उसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल दावा ये है कि बिहार में 10,000 उद्योग लगने जा रहे हैं, और इसी दावे में एक बात और जोड़ी गई है, वो ये कि अब बिहार के लोगों को रोजगार की कमी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, घोल बोल तो बहुत हो गया, अब जरा साफ साफ समझिए कि मामला क्या है और दावा क्या है। दरअसल बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि पूरे बिहार में उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। पहले चरण में 10,000 छोटे उद्योग लगाने का लक्ष्य रखा गया है, उनमें 3,500 महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग मंत्री ने APR एग्रो इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर प्रीति गोपाल की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि कोसी और मिथिलांचल में मखाना की खेती अधिक होती है, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए APR एग्रो इंडस्ट्रीज मील का पत्थर साबित होगा। ये भी कहा गया कि उद्योग से दिव्यांगों को जोड़ने की कार्य योजना बनाई जा रही, सरकार वैसे लोगों को उद्योग लगाने के प्रति जागरूक करेगी जो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उद्योग विभाग के GM से इंडस्ट्रियल क्रॉप की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने कहा है कि अकुशल मजदूरों को स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योग से काम मुहैया कराया जाएगा। उद्योग मंत्री महासेठ ने लोगों से अपील की है कि बिहार को विकसित करने के लिए बिहार में उत्पादित सामान की खरीदारी करें। उन्होंने कहा है कि बेहतर गुणवत्ता का प्रोडक्ट बिहार में होगा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ एक समारोह के दौरान ये सारी बातें कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि बिहार में 10,000 छोटे उद्योग लगाए जाएंगे और ये पहले चरण का काम होगा। अगले चरण में उद्योग को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। और सबसे खास बात ये कि बार बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाने के बाद रोजगार की बात कही जा रही है, उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा, ये बात तो साफ है। लेकिन उद्योग की बात करने वाले बिहार के उद्योग मंत्री ने ये भी कहा है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर जो बिहार के लोगों से दावा किया है, उस दावे को कितना सही सही पूरा कर पाते हैं और उस दावे को पूरा होने में वक्त कितना लगता है, क्योंकि जनता के पास वक्त नहीं है। बिहार में बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग आज भी पलायन कर रहे हैं। रोज रोज नेताओं के किए जा रहे दावे अब लोगों को पच नहीं रहे हैं। सरकार चाहे कोई भी रही हो, बिहार के लोग अक्सर दूसरे प्रदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब चूंकि बिहार में नई नई उम्मीदें जगाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि उद्योग धंधे खोले जाएंगे, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।